बागेश्वर जिले के गरुड़ बैजनाथ धाम में शिवरात्रि के पावन पर्व पर सैकड़ों की तादाद में पर्यटकों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। इस दौरान लोगों ने कहा कि सरकार की ओर से बैजनाथ को पर्यटक स्थल बनाने के बाद भी प्रशासन की ओर से इसकी साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं अब श्रद्धालुओं ने प्रशासन से झील के आसपास स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे जो सरकार ने जो झील बनाई है उसे देखने के लिए भी लोग काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। लेकिन जो झील की जो गंदगी है उससे लोगों के मन में वो एक नाराजगी जो दिख रही है वो सरकार को उसे समझना होगा कि यहाँ पे जो झील बना तो लिया लेकिन उसके जो सफाई करनी है उस पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। लेकिन भीड़ अत्यधिक है आज, है ना, कि पिछले जो है क्या कहते हैं पिछली बार की तुलना में ज़्यादा है। लेकिन दुकानें प्यारे नहीं हैं, लोग जरा सा करते भी हैं। मेला जो है शिवरात्रि का होगा, लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं, विदेशी पर्यटक काफ़ी मात्रा में आते हैं। जरा थोड़ा सा पर्यटनों के मन में थोड़ा आक्रोश है कि थोड़ा सा साफ सफाई यहाँ पर जो है अच्छी नहीं है। सरकार ने इतना पैसा लगाकर यहाँ पर व्यवस्था तो की है, सरकार को इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई पर यहाँ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आसपास झील के किनारे बहुत ही प्लास्टिक और गंदगी फैलाई गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि पर्यटनों का इस और ज़्यादा अट्रैक्शन। हर खबर में होगी हमारी नज़र, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।